दोस्तों, इन दिनों देश के मणिपुर राज्य में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया। ऐसी बर्बरता शायद ही किसी ने देखी होगी। ये बात है सोशल मीडिया पे वायरल हुए एक वीडियो की, जिसमें कुछ आदमी दो महिलाओं को बिना कपड़ों के सड़क पर चला रहे हैं और उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर ही पता चलता है कि ये सारे पुरुष कहीं से भी इंसान तो नहीं हो सकते। दरअसल इस वीडियो में जो पुरुष और जो औरतें हैं, वो दोनों अलग अलग समुदाय से आते हैं और ये बर्बरता भी इन दो समुदायों के बीच ही हो रही है। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे मणिपुर राज्य में दो समुदायों के बीच हो रहे इस खूनी विवाद के पीछे का कारण। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि मणिपुर कहाँ है और वहाँ कौन रहते हैं। दोस्तों, मणिपुर भारत के पूर्व उत्तर में स्थित एक राज्य है। भारत के पूर्व उत्तर के राज्यों को सेवन सिस्टर्स या सात बहनें भी कहा जाता है। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है और यहाँ अनुमानित 33 लाख लोग रहते हैं, जिसमें आधे से अधिक मैतेई समुदाय के लोग निवास करते हैं, जबकि लगभग 43% कुकी और नगा समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो प्रमुख अल्पसंख्यक जनजातियां मानी जाती है। दोस्तों, यहां के दो समुदाय हैं मैतेई और कुकी, और ये लड़ाई भी इन्हीं दो समुदायों के बीच हो रही है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मैतेई समुदाय कौन है। मणिपुर में जो मेजोरिटी ग्रुप है वो मैतेई है। कुकी या नगा जैसे दूसरे ट्राइबल ग्रुप भी हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं। मैतेई ज्यादातर मैदानी इलाकों में रहते हैं और बाकी आदिवासी समुदाय पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। अगर मैतेई समुदाय को ST स्टेटस मिल जाता है तो उनकी पहुंच पहाड़ी इलाकों में भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि कुकी समुदाय कौन है। कुकी जनजाति भारत के मणिपुर और मिजोरम राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में एक जनजातीय समूह है। कुकी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाने वाले कई पहाड़ी जनजातियों में से एक है। उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर वे सभी राज्यों में मौजूद हैं। मणिपुर में हिंसक झड़प कैसे शुरू हुई। दोस्तों, मणिपुर में 3 मई से हिंसा की शुरुआत हो चुकी थी। मणिपुर में 3 मई को मैतेई और कुकी जनजातियों के बीच हिंसा शुरू हुई थी। दरअसल मणिपुर में मैतेई समाज की मांग है कि उनको कुकी की तरह राज्य में शेड्यूल ट्राइब यानी ST का दर्जा दिया जाए, क्योंकि कुकी समाज को ST का दर्जा मिला है और अब मैतेई जनजाति भी खुद को ST का दर्जा मिलने की मांग कर रही है। अब समझते हैं कि ST क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं। ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स का हिंदी फुल फॉर्म अनुसूचित जनजाति है। यह जाति भारत में दूसरी श्रेणी की जाति है, जिसे सरकार के द्वारा आरक्षण दिया जाता है। इस जाति से जुड़े समाज को अधिकतर आदिवासी या मूल निवासी कहा जाता है। सरकार ST श्रेणी में आई जनजातियों को कई तरह के लाभ व आरक्षण देती है और इससे जनजातियों का सुधार व सुरक्षा बढ़ जाती है। मणिपुर में तनाव तब और बढ़ गया जब कुकी समुदाय ने मैतेई समुदाय की आधिकारिक जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध करना शुरू कर दिया। कुकी समुदाय ने तर्क दिया कि इससे सरकार और समाज पर मैतेई जनजातियों का प्रभाव और अधिक मजबूत होगा, जिससे उन्हें जमीन खरीदने या मुख्य रूप से कुकी क्षेत्रों में बसने की अनुमति मिल जाएगी। उसी ओर कुकियों का कहना है कि मैतेई के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा छेड़ा गया नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध उनके समुदायों को उखाड़ने का एक बहाना है। म्यांमार से हो रहे अवैध प्रवासन ने तनाव को और बढ़ा दिया है। बढ़ती आबादी के कारण भूमि उपयोग पर दबाव भी बढ़ गया है। दोस्तों, अब हम यह समझते हैं कि मणिपुर में किसका शासन है। दरअसल मणिपुर में भाजपा का शासन है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जो मैतेई समुदाय से आते हैं, उनकी राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर मैतेई समुदाय का दबदबा है, क्योंकि उनकी जनसंख्या कुल आबादी की 53% है। कुकी समुदाय का कहना है कि हेरोइन के व्यापार के लिए पोस्त की खेती को लेकर एन बीरेन सिंह के हालिया युद्ध ने कुकी क्षेत्रों को टारगेट किया है। एन बीरेन सिंह की सरकार
ने कुकी विद्रोह समूह पर समुदाय को भड़काने का आरोप भी लगाया है। दोस्तों, इस विवाद में मणिपुर की केंद्र सरकार क्या कर रही है? बीते दिनों कुकी समुदाय की दो महिलाओं को मैतेई समुदाय के पुरुष ने बिना कपड़ों के परेड करवाई, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा था। सोशल मीडिया पर लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी। हमले का वीडियो सामने आने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र के पहले दिन उन्होंने मणिपुर को संबोधित करते हुए कहा कि इस घटना ने भारत को शर्मसार किया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ भी नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने हिंसा के दौर को रोकने के प्रयास में क्षेत्र में 40,000 सैनिकों, अर्ध सैनिक बलों और पुलिस को तैनात किया है। अब तक इसने आदिवासी नेताओं के प्रत्यक्ष शासन लागू करने के आह्वान का भी विद्रोह किया है। हालांकि हिंसा फैलती जा रही है और अधिक से अधिक ग्रामीणों को उनके घरों को छोड़ना पड़ा है। दोस्तों, विवाद चाहे जो भी हो, लेकिन वीडियो में जो भी था उसने हम देशवासियों का खून खौला कर रख दिया और हम सब भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वीडियो में दिखाए गए उन दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करके सजा दी जाए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि मणिपुर के इस गंभीर विवाद को कम शब्दों में समझाने में सफल हुआ हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।